ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति की मस्ती में। आज की वीडियो विघ्नहर्ता बुद्धि के देवता श्री गणेश जी के 108 नामों पर है। सभी देवताओं में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा का विधान है। गणेश जी के हजारों नाम हैं, लेकिन इतने नामों का प्रतिदिन जाप करना संभव नहीं है, इसलिए इस वीडियो में हम गणेश जी के 108 सिद्ध नाम जानेंगे जिनके जाप से गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि आपका कोई काम लंबे समय से रुका है तो आप गणेश जी के इन 108 नामों को प्रतिदिन जाप करें अथवा सुनें। गणपति बप्पा की कृपा से आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपको अवश्य ही शीघ्र सफलता मिलेगी। भगवान गणेश जी के 108 नामों के जाप अथवा श्रवण से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और सुबुद्धि भी प्राप्त होती है। वीडियो में नामों के साथ साथ उनके अर्थ भी बताए गए हैं। नामों का अर्थ जानना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उनका जाप करना। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बीच में अधूरा ना छोड़ें और अंत तक अवश्य सुनें। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि यदि उनके जीवन में भी कोई बाधा हो या बार बार विघ्न पड़ रहे हों तो वे भी इसका लाभ उठा सकें। और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी अमूल्य जानकारी आपको मिलती रहे। आइए जानते हैं गणेश जी के 108 नाम। महेश्वर अर्थात सारी सृष्टि के प्रभु, महागणपति अर्थात देवों के देव, महाबल यानी बहुत अधिक बल वाले, लंबोदर यानी बहुत बड़ा पेट है जिनका, लंबकर्ण अर्थात बड़े कान है जिसके, गौरीसुत अर्थात पार्वती माँ के पुत्र, गणपति अर्थात सभी गणों के स्वामी, गणाध्यक्ष यानी सभी गणों के मालिक, गजवक्त्र अर्थात जिसका मुख हाथी की तरह है, गजकर्ण अर्थात हाथी की तरह कान है जिसके, एक दंत अर्थात एक दांत वाले भगवान, एकाक्षर यानी एकल अक्षर, गजवक्र अर्थात हाथी के मुंह वाले भगवान, गजानन यानी हाथी के मुंह वाले प्रभु, बालचंद्र अर्थात चंद्रमा जिसके मस्तक पर शोभित है, बाल गणपति अर्थात सबसे प्यारे बालक, धूम्रवर्ण यानी धुएं जैसा रंग है जिसका, बुद्धिनाथ अर्थात बुद्धि देने वाले भगवान, सुरेश्वरम यानी सभी प्रभुओं के प्रभु, सिद्धि विनायक यानी सभी सफलताओं के मालिक, शुभम अर्थात सभी मंगल कार्यों वाले भगवान, शुभ कर्ण अर्थात बड़े कान वाले भगवान, प्रथमेश्वर यानी प्रथम आने वाले, मूषक वाहन यानी जिनका वाहन चूहा है, सिद्धिदाता अर्थात सिद्धि प्रदान करने वाले, मंगल मूर्ति अर्थात सभी शुभ कार्यों के प्रभु, निधीश्वरम यानी निधि के दाता, भूपति अर्थात पृथ्वी के स्वामी, भीम अर्थात विशाल, अविघ्न अर्थात बाधाओं को समाप्त करने वाले, अवनीश यानी पूरी दुनिया के स्वामी, अनंत चिद रूपम यानी अनंत चेतना वाले, वक्रतुंड अर्थात जिसकी सूंड घुमावदार है, अलंपता अर्थात अनंत देव, अमित अर्थात अतुलनीय प्रभु, अखूरत यानी जिनका सारथी मूषक है, धार्मिक अर्थात धर्म में आस्था रखने वाले, देवव्रत अर्थात बुद्धिमान और ज्ञानी, देवेंद्राशिक अर्थात देवताओं के रक्षक, देवादेव अर्थात सभी देवताओं में सर्वोपरि, चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाले, बुद्धि विधाता यानी बुद्धि के स्वामी, भुवनपति अर्थात जगत के स्वामी, देवांतक नाशकारी अर्थात असुरों का विनाश करने वाले, बुद्धि प्रिय यानी बुद्धि के दाता, हे रंभ अर्थात शांत, गुणिन अर्थात गुणों के स्वामी, हरिद्र यानी सुनहरे रंग वाले, गणाध्यक्षिण यानी सभी पिंडों के नेता, गदाधर अर्थात गदा धारण करने वाले,
ईशान पुत्र यानी शिव के पुत्र, दुर्जा अर्थात अपराजय, द्वैमातुल यानी जिनकी दो माताएं हैं, एक दंष्ट यानी एक दांत है जिसका, कपिल अर्थात पीला बुरा रंग है जिसका, कीर्ति अर्थात यश, कवीश यानी कवियों के राजा, कृपाकर यानी कृपा करने वाला, क्षमंकरी अर्थात क्षमा करने वाले, मृत्युंजय अर्थात मृत्यु को हराने वाला, मनोमय यानी मन जीतने वाला, क्षिप्रा अर्थात आराधना के योग्य, कृष्ण पिंगाक्ष यानी सामने धुएं जैसे नेत्र है जिसके, मुड़ाकरम अर्थात जिनमें खुशी वास करती है, मुक्तिदायी अर्थात मुक्ति देने वाले, नाद प्रतिष्ठित यानी जो संगीत से प्यार करते हैं, नमस्तेतु यानी बुराइयों पर विजय पाने वाले, नंदन यानी भगवान शिव के पुत्र, सिद्धांत अर्थात सफलता और उपलब्धियों के गुरु, पीताम्बर अर्थात पीले वस्त्र धारण करने वाले, प्रमोद अर्थात आनंद, पुरुष अर्थात अद्भुत व्यक्तित्व, रुद्रप्रिय यानी भगवान शिव के जो प्यारे हैं, रक्त अर्थात जिसका शरीर का रंग लाल है, सर्वदेवात्मन अर्थात सभी स्वर्गीय प्रसाद के स्वीकर्ता, सर्वसिद्धांत यानी बुद्धि और कौशल के दाता, सर्वात्मन अर्थात ब्रह्मांड के रक्षक, शशिवर्णम यानी जिसका रंग चंद्रमा को भाता हो, ओमकार यानी ओम के आकार वाला, शुभ गुण कानन यानी जो गुरु है सब गुणों के, श्वेता अर्थात जो सफेद रंग की तरह शुद्ध है, सिद्धि प्रिय अर्थात इच्छा पूरी करने वाले, स्कंद पूर्वज अर्थात कार्तिकेय भगवान के भाई, स्वरूप अर्थात सौंदर्य के प्रेमी, सुमुख यानी शुभ मुख वाले, तरुण अर्थात जिसकी कोई आयु ना हो, उदंड अर्थात शरारती, वर गणपति अर्थात अवसरों के स्वामी, उमापुत्र अर्थात माता पार्वती के पुत्र, वरप्रद यानी इच्छाओं के अनुदाता, वर्द विनायक यानी सफलताओं के स्वामी, वीर गणपति अर्थात वीर भगवान, विद्यावारिधि यानी बुद्धि के देवता, विघ्नहर अर्थात बाधाओं को हरने वाले, विघ्नहर्ता अर्थात विघ्नों को हरने वाले, विघ्न विनाशन यानी बाधाओं का अंत करने वाले, विघ्नराज यानी सभी बाधाओं के स्वामी, विघ्न राजेंद्र अर्थात सभी बाधाओं के भगवान, विघ्न विनाशाय यानी सब संकटों का नाश करने वाले, विघ्नेश्वर अर्थात सब संकटों को हरने वाले भगवान, विकट अर्थात अत्यंत विशाल, विनायक अर्थात सबके भगवान, विश्वमुख यानी ब्रह्मांड के गुरु, विश्व राजा अर्थात संसार के राजा, यज्ञकाय अर्थात सभी बलि को स्वीकार करने वाले, यशस्विन अर्थात सबसे लोकप्रिय देवता, योगाधिप अर्थात ध्यान के प्रभु, यशस्कर अर्थात प्रसिद्धि के मालिक। तो ये थे गणेश जी के 108 नाम। आप नित्य प्रति इनका जाप करें अथवा सुने और कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी लिखना ना भूलें। जय गणेश जी की।